शकुंतला देवी राज शिक्षा सेवा संस्था के तत्वाधान में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन साकेत नगर स्थित अनुपम धाम में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दिनेश कुमार और विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर मनोज कुमार उपस्थित हुए, जिन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती माँ का माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन करके किया। मुख्य रूप से उपस्थित आयोजक महेश चंद्र प्रजापति जी ने 20 बेटियों का सम्मान किया। कार्यक्रम का संचालन कामता प्रसाद प्रजापति ने किया। प्रमुख वक्ता के रूप में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर डॉक्टर दिवाकर प्रजापति ने कहा कि बेटी है तो कल है, बेटी नहीं तो बहू बहन के रिश्ते कहाँ से लाएंगे, इसलिए कन्या भ्रूण हत्या बंद करें। उन्होंने कहा कि सरकार बेटी सुरक्षा के लिए बातें तो बहुत कर रही है, लेकिन मुख्य पटल पर सुरक्षा नहीं दिख रही है। कानपुर ही नहीं, ग्रामीण अंचलों में बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं, छेड़छाड़ की घटनाएं आए दिन बढ़ रही हैं। हमारे समाज में हमारी बेटियों को आत्मसुरक्षा के कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि आज के समाज में बेटियों को सबसे बड़ा खतरा अपने निजी रिश्तेदारों से ही रहता है। इसी कड़ी में महेश चंद्र प्रजापति ने कहा, बेटियों को अधिक से अधिक पढ़ाएं ताकि हमारी बेटियां समाज में आगे बढ़कर देश का नाम रोशन करें। यहाँ पे जो प्रोग्राम रखा गया शकुंतला देवी राज शिक्षा सेवा संस्थान के तत्वाधान में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ के कानपुर के हमारे सम्मानित श्री डॉक्टर दिवाकर प्रजापति द्वारा लंबे समय से ये काम किया जा रहा है। बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम चलाया जा रहा है, साथ ही जन संरक्षण, धूम निषेध, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, मतदाता जागरण, एड्स जागरण और स्वस्थ भारत का भी कार्यक्रम डॉक्टर दिवाकर प्रजापति द्वारा चला रहा है। उसी के तत्वाधान में आज समाज की बेटियों को सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा गया है। किस तरीके से लोगों को जागरूक करेंगे आप बेटियों को? जैसे तमाम लोग हैं कि भ्रूण हत्या, शादी के बाद तमाम समस्याएं आती हैं बेटियों के, उसमें इस तरीके से जब आज बेटी है तो कल जीवन है, बेटी आज बेटी के रूप में है, बहन के रूप में है, कल वो किसी की माँ के रूप में है, तो अगर बेटियाँ धीरे धीरे जो समाज में त्रुटियाँ इनको अगर जागरूक नहीं किया जाएगा तो आने वाला कल जो है बेटियों का जो डिसबैलेंस चल रहा है, जैसे आप हरियाणा वगैरह में देखते हैं कि बेटी और बेटे में बहुत लंबा डिफरेंस हो गया, ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा तो कल बड़ी एक समस्या खड़ी हो जाएगी समाज में।